दोस्तों, हर इंसान के बोलने और चलने का तरीका अलग अलग होता है। इसी विविधता के कारण इंसान के व्यवहार और व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। लेकिन क्या हमारे हैंडराइटिंग के जरिए हमारे स्वभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है? इसका जवाब है जी हाँ। लेखन विशेषज्ञों के अनुसार हमारा व्यक्तित्व काफी हद तक हमारी लिखने की शैली को तय करता है। इसका अध्ययन ग्राफोलॉजी में किया जाता है। इसके अनुसार हमारे हैंडराइटिंग हमारी बॉडी लैंग्वेज की तरह है। जिस प्रकार चेहरे के भाव हमारे अंदर की बातों को दिखाते हैं, उसी प्रकार हमारी लिखावट भी हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप अपनी हैंडराइटिंग के जरिए अपनी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आई बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लेटर साइज के बारे में, यानी कि लिखावट का आकार कैसा है। अपने अक्षरों का आकार बता सकता है कि आप शर्मिले हैं या खुले व्यवहार के। एक्सपर्ट के अनुसार यदि आपकी हैंडराइटिंग छोटी है तो आप शर्मिले और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। ऐसे लोग हर काम को फोकस के साथ करते हैं। साथ ही ऐसे लोग बुद्धि से संबंधित कामों में बहुत तेज होते हैं। यदि आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है तो आप खुले, कॉन्फिडेंट और ध्यान आकर्षित करने वाले इंसान हैं। ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, जो लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं और किसी भी स्थिति में आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड स्पेसिंग, यानी कि अक्षरों के बीच का गैप। आपके द्वारा लिखे गए शब्दों के बीच की जगह से भी आपके स्वभाव और आदतों के बारे में पता चल सकता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग शब्दों के बीच ज्यादा जगह छोड़ते हैं, वे हर काम को आजादी के साथ करना पसंद करते हैं। इनका अपना ही एक कम्फर्टेबल जोन होता है जहाँ ये अच्छा महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा भीड़भाड़ में रहना पसंद नहीं होता। वही दूसरी ओर जो लोग लिखते समय शब्दों में कम गैप रखते हैं, वे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को दोस्तों या परिवार वालों के बीच रहना पसंद होता है, इसलिए इनके दोस्तों की संख्या ज्यादा होती है। कई लोगों में टाइम मैनेजमेंट की कमी भी देखी जा सकती है। अब बात करते हैं पेन प्रेशर के बारे में, यानी कि पेन पे पड़ने वाले दबाव के बारे में। यदि आप पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करते समय उस पर भारी दबाव लगाते हैं या उसे काफी टाइट पकड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस काम में काफी प्रतिबद्ध है। इस प्रकार के व्यक्ति कमिटमेंट में विश्वास रखते हैं, साथ ही ये भावनात्मक भी होते हैं। इस प्रकार के लोग जिस चीज को चाहते हैं उसके लिए अंत तक लड़ते हैं और अपने काम को हर दिक्कत के बावजूद पूरा करना चाहते हैं। ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों में टाइप ए पर्सनैलिटी होती है। वही हल्के हाथ से काम करने वाले व्यक्ति संवेदनशील होते हैं। यह व्यक्ति ऐसे क्रियाकल्पों को करना पसंद करते हैं जिसमें कम शारीरिक काम की आवश्यकता हो। हालांकि ऐसे लोग लचीले भी होते हैं, जो परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा हल्के हाथ से लिखना पसंद करती हैं। आइए अब बात करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ वर्ड्स के बारे में, यानी कि अपने लिखावट के झुकाव के बारे में। एक्सपर्ट के अनुसार आपकी लिखावट का झुकाव भी काफी हद तक आपके स्वभाव को बताता है। जिन लोगों के शब्दों का झुकाव दाई ओर होता है, वे लोग फ्रेंडली होते हैं, जो लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, ये लोग खुश रहना पसंद करते हैं। इसी तरह लिखते समय जिन लोगों का अक्षरों का झुकाव बाई ओर होता है, वे आमतौर पर आत्म केंद्रित होते हैं। अक्सर ऐसे लोग अपने आप में खोए रहते हैं, ये कम लोगों के साथ घुलते मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बात करते हैं अपने हस्ताक्षर के बारे में, यानी कि अपने सिग्नेचर के बारे में। आपके हस्ताक्षर से भी पता लगाया जा सकता है कि आप अपने आप को दूसरों के सामने कैसे पेश करते हैं। यदि आपके हस्ताक्षर अस्पष्ट है तो इसका मतलब है कि आप प्राइवेसी रखना पसंद करते हैं। आप खुद को दूसरों के सामने बहुत जल्द प्रकट करना पसंद नहीं करते। ये तेज बुद्धि और व्यस्त जीवन शैली का भी प्रतीक है। और यदि आपके हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद पर बहुत यकीन करते हैं और आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। कई लोग सिग्नेचर के नीचे लाइन भी खींचते हैं, इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की भावना है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।